दोस्तों आप अपना घर बनवा रहे हैं और आप वास्तु के अनुसार अपना घर बनवाना चाहते हैं, ऐसे में आपको ये डिसाइड करना है कि जो आपके घर का बाथरूम है वो किस दिशा में बने, और आप इसी के लिए इंटरनेट खंगाल रहे तो एक एकदम सही जगह पे आ चुके हैं, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किस दिशा में अपनी बाथरूम बनवाएंगे तो वास्तु के हिसाब से कोई भी आपके घर में नेगेटिव इफेक्ट फ्यूचर पे नहीं पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रभात कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डिजायर आई वॉन्ट टू नो। दोस्तों यहाँ पे बात की जाती है बाथरूम की, तो कहा जाता है कि यदि वो घर में है तो वो कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जी घर में छोड़ेगा ही, और ऐसे में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का खतरा घर में बढ़ता ही है, ये तो एक निश्चित बात होती है। दोस्तों वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि नॉर्थ में उत्तर की दिशा में आपका बाथरूम है तो कैरियर में बाधा आएगी, आप यदि वो दक्षिण की तरफ है तो तरक्की रुकेगी, यदि पूर्व की तरफ है तो आपके मान सम्मान में भविष्य में कमी आएगी, यानी कहीं ना कहीं हर दिशा एक नेगेटिव इन्फेक्ट ही लेकर आती है। लेकिन वास्तु में एक ऐसी दिशा के बारे में बताया गया है जो उचित बताई गई है बाथरूम को बनाने के लिए, वो है दक्षिण पश्चिम की दिशा। यदि दक्षिण और पश्चिम के बीच का जो आपका एरिया है वहाँ कहीं भी आप बाथरूम बनाते हैं तो जो उसकी नेगेटिव एनर्जी है, जो नेचुरल एनर्जी का फ्लो है पोलर से, ध्रुवों से, उसके साथ वो बाहर चला जाता है, यानी आपके घर में वो इफेक्ट नहीं कर पाता है। तो ये था वास्तु का कुछ एनर्जी के फ्लो के अकॉर्डिंग कि आपका बाथरूम कहाँ बनना चाहिए। तो यदि आप घर में बाथरूम बनाने की सोच रहे हैं तो आप उसे दक्षिण और पश्चिम दिशा के बीच में ही कहीं बना लीजिए, ये आपके लिए बेहतर होगा। बाकी दिशाएँ हैं वहाँ तो किसी भी दिशा में बनाने के लिए वास्तु अनुमति नहीं देता है। तो मुझे लगता है कि जो बात मैंने आपको बताई आपको पसंद आई होगी। इस तरह की और बातों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करिए, सोशल मीडिया पर शेयर करिए, कमेंट करिए कि वीडियो आपको कैसी लग रहा है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि इस वीडियो को आपने आखिरी तक देखा है।